हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो मित्रों? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज अपनी कॉन्सेप्ट की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने लिया हुआ है मर्जिंग रेशियो पे एक शानदार कॉन्सेप्ट, जिसपे जो प्रीवियस में क्वेश्चन बने हैं और जिसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज हम जानने वाले हैं अपनी इस क्लास में। चार टाइप से बनते हैं, वो चारों के चारों टाइप आज की क्लास में हम जान लेंगे और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के देंगे। एक ही इस क्लास में आपका टोटल मर्जिंग रेशियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी एग्जाम इससे बचता नहीं है। आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, सीएसएल दे रहे हो मेरे भाई, सीपीओ का दे रहे हो या एमटीएस दे रहे हो, जीडी का दे रहे हो, सिलेक्शन पोस्ट का दे रहे हो, या फिर अपना कोई पुलिस लेवल का एग्जाम आप दे रहे हो, यूपीपी दिल्ली पुलिस या फिर अपना एमपी पुलिस का, किसी भी अगर स्टेट एग्जाम को आप तैयार कर रहे हो तो वहां पे भी अगर रेशियो से क्वेश्चन बनता है तो मर्जिंग रेशियो से एक क्वेश्चन आता ही आता है। वो आपसे चाहे जिसमें पूछ ले, पार्टनरशिप में भी पूछा जा सकता है, अपना टाइम एंड वर्क में भी पूछा जा सकता है, इवन अपना प्रॉफिट लॉस में भी पूछ लेता है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हुए मर्जिंग रेशियो का आज कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते हैं। तो मर्जिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट अपना कहता क्या है उस पे चर्चा करते हैं। देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो मर्जिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट जानेंगे। मर्जिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट कहता क्या है? जैसे मैंने कहा, आपसे बोलेगा कि ए रेशियो बी अपना 2:3 के अनुपात कितने में है, 2:3 के अनुपात में है, और बी रेशियो सी मेरे भाई वो भी अपना 2:3 के अनुपात में है। तो आप बताओ इसमें से टोटल एबीसी क्या होगा, आपसे ये पूछ लेगा। टोटल बताओ एबीसी क्या होगा, ये चीज आपसे पूछी जाती है और आपको ये चीज बतानी होती है। तो मेरे भाई, मैंने आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उस पर सबसे पहले बात देखना। मैंने कहा बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, तो बी और बी को सेम होना चाहिए। पहला तो तरीका ये है कि बी और बी को सेम कर लो। बी और बी को सेम करने के लिए यहाँ पे आपको 2 का गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 3 का गुणा कराना पड़ेगा, तब 3 गुणा 2 6 बन पाएगा, 2 गुणा 3 6 बन पाएगा, यानी बी और बी सेम हो जाएगा, तब आप एबीसी निकाल लोगे। देखो लिखते हैं, 2 गुणा 2 करोगे कितना आ जाएगा 4, और बी 2 गुणा 3 करोगे कितना आ जाएगा 6, सी 3 गुणा 3 करोगे 9, यानी मर्जिंग रेशियो ये हो जाएगा जब आप बी को सेम करोगे। लेकिन कल को ये 3 नंबर में ना पूछ के ए बी सी डी ई तक पूछ ले, तब आप किस किस को बराबर करते रहोगे। उसके लिए अपना एक शानदार मेरा जो तरीका है उसको आप फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी निकाल पाओगे। ए बी सी यानी कि ए से बी का अनुपात कितना था, 2:3 का था, बी से सी का कितना था, 2:3 का, तो बी के नीचे बी की वैल्यू रखना और सी के नीचे अपनी सी की वैल्यू रखना। अब मेरे भाई जो प्लेस खाली है, 3 के आगे 1 स्थान खाली है, तो 1 स्थान में ये पीछे वाली वैल्यू उठा के चिपका देना, इसके आगे 1 स्थान खाली है तो इसके आगे ये वाली वैल्यू उठा के चिपका देना, फिर आप सबका गुणा करा लो, अपने रेशियो निकाल लो। 2 गुणे 2 मेरे भाई 4 आ जाएगा, 3 गुणे 2 मेरे भाई 6 आ जाएगा, और 3 गुणे 3 मेरे भाई कितना आ जाएगा 9। क्या आपने भी यहां से निकाला था 4:6:9? बोलोगे बिल्कुल ठीक यही निकाला था मेरे को। तो एक मर्जिंग रेशियो का ये टाइप होता है। और अगर इसमें से हम और क्वेश्चन को बढ़ाएं, लिख दें कि ए रेशियो बी अपना 2:3 का है, और बी रेशियो सी मेरे भाई 1:2 का है, फिर मैं कर दूं सी रेशियो डी भी है, सी रेशियो डी भी अपना 2:3 नहीं, उसको ले लेते हैं 3:4 का। आगे और कितने भी नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन अपने तरीके में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। देखो कैसे, आगे कितने स्थान यहाँ पे खाली है, 2 खाली है, तो ये पीछे वाली वैल्यू ही आपको सिर्फ रखनी है। 3 यहाँ पे रख दिया और 3 यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे सिर्फ 1 स्थान खाली है तो वो वाली वैल्यू 1 बार ही फिलअप कर देंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे 1 स्थान खाली है तो यहाँ पे भी तो 1 वैल्यू डालनी पड़ेगी, डाल देंगे। यानी कि आगे मेरा कहने का मतलब ये है, जितने स्थान खाली हैं उसके पीछे वाली वैल्यू आप उठाते जाओ, सिर्फ और सिर्फ पीछे वाली वैल्यू। क्लियर हो गया? बोलोगे ठीक है बिल्कुल समझ में आ गया, फिर सबका गुणा करा लेंगे।
एकम तीन दूना छह बोलोगे, बिल्कुल ठीक। 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 3 × 2 6, 3 × 3 कितना आ जाएगा 18, और इसमें कितना आ जाएगा 3 × 2 × 4 यानी कि 24। अब अगर ये किसी से सिंपलीफाई हो रहा है तो कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो अपना यही करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो अपना मर्जिंग रेशियो बहुत ही आसान होता है, मेरे हिसाब से आपको इस अप्रोच के साथ जाना चाहिए, आप बहुत जल्दी से कर पाओगे, ठीक है। एक जो दूसरा होता है इसमें पूछता है वो चीज मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे एक बारी ये पूछ लेता है 2p बराबर अगर 3q है मेरे भाई तो p रेशियो क्यू बताओ आपको क्या होगा। तो आप कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करते हो कि p अपॉन q बराबर आ जाएगा 3/2, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन कल को आपके सामने अगर ये लिखा दे दे 2p बराबर 3q बराबर 4r, तब आप क्या सोचोगे, तब क्या आप इनका अलग अलग निकालोगे और तब बताओगे, तब करके बताओगे, बोलोगे नहीं तब तो मेरे लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उस पर फोकस करना, यहीं से उठाऊंगा, यहीं से आपको समझाऊंगा, फिर आपको इसमें अप्लाई करके दिखाऊंगा। मैंने कहा आपको पी की वैल्यू निकालनी है, पी को आप बंद कर लो, पी की वैल्यू निकालनी है, पी को बंद कर लो, क्यू का कोफिशियंट यानी क्यू का गुणक कितना है 3, छाप दिया पी के नीचे 3 आ गया। क्यू का निकालना है, क्यू का बंद कर लो, और पी का गुणक कितना है 2, उसको छाप दिया। क्या 3:2 अपना यहाँ से भी आया था, 3:2 वहां से भी आ गया, कोई तकलीफ बोलोगे नहीं हुई। अब यहाँ पे अप्लाई करना अपना मेन उद्देश्य है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में ही अगर हम छोटे से कॉन्सेप्ट जान लेते हैं तो अपन बहुत जल्दी कर पाते हैं। मैंने कहा पी का निकालना है, पी को बंद कर लो, बचा कौन कौन, क्यू और आर का गुणक कितना है 3 × 4 यानी कितना आ जाएगा 12। फिर क्यू का निकालना है, क्यू को बंद कर लो, बचा कौन, बोलोगे पी और आर का गुणक कितना है 2 × 4 कितना होता है 8। फिर आर की बारी, आर को बंद कर लो, बचा कौन पी और क्यू का गुणक कितना है 2 × 3 यानी कि 6। सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में। वन लाइन सोल्यूशन मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, और आगे दो चीजें और जो मर्जिंग रेशियो में होती हैं वो समझ। जैसे कभी कभी आपके सामने बोलता है कि a:b:c फ्रैक्शन में है, 1/2, 1/3 और 1/4 में है, तो आप बताओ a:b:c की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। क्योंकि आपको भी पता होगा कि रेशियो कभी भी अपना फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, रेशियो हमेशा अपने होल नंबर यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं। a:b:c अगर निकालना होता है मेरे भाई, क्या करते हो आप, कहते हो कि 2, 3 और 4 का लैसा लेते हैं यानी एलसीएम लेते हैं, किसका, 2, 3 और 4 का। 2, 3, 4 का लैसा लेंगे कितना आ जाएगा 12, 4 × 3 = 12, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो 12 आ जाएगा। अब इस 12 का गुणा हम सबके साथ करा देते हैं मेरे भाई, 12 का गुणा सबके साथ कराते हैं, 12 का गुणा सबके साथ कराएंगे, 2 से कटेगा 12 6 बार में, 12 × 3 = 4 बार में, 12 × 4 = 3 बार में, तो अपना रेशियो कितना हो जाएगा 6:4:3 का हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्ट अप्रोच अगर आपको सॉल्व करनी है मेरे भाई, तो एक चीज यहाँ से देखना, यहाँ पे बताता हूँ साइड में आपको पेन चेंज करके। मैंने कहा a:b:c आपसे कहा और आपको दिया 1/2, 1/3 और 1/4 मेरे भाई, यही बोला है, बोलोगे हाँ यही कहा है कि 1/2, 1/3 और 1/4। मैंने कहा आप जिसमें a का लेना है a को बंद कर लो, 3 × 4 कितना हो गया 12, 3 × 4 इसका देखो, 3 × 4 कितना हो गया 12, इस 12 का गुणा 1 के साथ करा दोगे कितना आ जाएगा 12। फिर b का निकालना है, b को बंद कर दो, b को इग्नोर कर दो, बचा कौन 2 × 4 कितना हो गया 8, 8 का गुणा ऊपर 1 के साथ करा दोगे कितना आ जाएगा 8। फिर c की बारी आ गई, c को बंद कर दो, बचा कौन 2 × 3 यानी कि 6 आ गया। सिंपलीफाई हो रहा है, सिंपलीफाई कर दो, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से
बार में। तो क्या रेशियो आ गया? 6:4:3। तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल नहीं बदलते, यानी कि आपका आंसर वही आएगा। चाहो तो आप एलसीएम लेके कर लो, चाहो तो आप उसको वहां से कर सकते हो, ठीक है। आगे जो चीज पूछता है वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे आपसे पूछता है ए बटे दो बराबर बी बटे तीन बराबर सी बटे चार, इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत पूछ लेता है। तो आपसे पूछेगा बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो, ये भी कहता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा मेरे भाई। तो बहुत आसानी से इसको भी आप टैकल कर लोगे, देखो कैसे। यानी कि यहां से आप जैसे ही ए बटे बी निकालने जाओगे तो आप क्या बोलोगे, क्या निकाल देंगे, दो का इधर ले जाएंगे तीन का इधर। ए से बी का रेशियो 2:3 का आ गया, इन दोनों को ले लेंगे तो बी और सी का रेशियो निकालेंगे, बोलो कि बी जाएगा इधर 3 और सी जाएगा इधर 4। बी और बी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3:4, क्योंकि बी यहां भी 3 बी यहां भी 3। अगर बी सेम ना होता तो बी को सेम करना होता मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि आप इतना सब ना लिखो, आपको डायरेक्ट चीजें चाहिए, आपको डायरेक्ट आउटपुट याद होने चाहिए, क्योंकि ये इतने क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं होने चाहिए। जितनी जल्दी देखो उतनी जल्दी आंसर आ जाए। आपको ए बी सी चाहिए तो जो ए के नीचे वैल्यू है वही ए का मान, और जो मेरे भाई बी के नीचे वैल्यू है वही बी का मान, और मेरे भाई जो सी के नीचे वैल्यू है वही अपना सी का मान हो जाएगा। यही रेशियो, यही रेशियो, कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं। बोलो क्लियर हो गई चीजें या नहीं? मैंने कहा था चार चीजें डिस्कस करेंगे, चार चीजें में मेरे भाई क्या क्या चीजें डिस्कस कर चुके। सबसे पहले अपना मर्जिंग रेशियो, दूसरा अपना मैंने कहा आप उसका 2p/3q वाली फॉर्म, थर्ड चीज मैंने फ्रैक्शन से रेशियो में आना सिखा दिया, और चौथी चीज मैंने आपको बता दी है कि आपके सामने जब इस फॉर्म में लिखा हो तब आप इसको कैसे करोगे। तो चार चीजें बहुत जल्दी से हम लोगों ने समझ ली हैं। अब अपने इस आधार पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने फेंकेंगे, उस क्वेश्चन को आप टैकल करना। देखो आगे क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये रहता है कि ए रेशियो बी 2:5 का है, बी रेशियो सी 4:3 का है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, क्वेश्चन नंबर क्या पड़ा हुआ है आप सिर्फ क्वेश्चन पे देखना। एसएससी सीजीएल 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई तकलीफ नहीं। ए रेशियो बी अपना कितना है, बोलोगे 2:5 का। फिर बी रेशियो सी कितना है, बोलोगे बी रेशियो सी भी है। तो बी के नीचे बी की वैल्यू रखेंगे, अब बी के नीचे बी की वैल्यू 4:3 का है। मिल गया अपना मर्जिंग रेशियो का पहला क्वेश्चन, कह रहा मैंने कहा जो स्थान खाली हो उसमें पीछे वाली वैल्यू उठा के चिपका दो, वैल्यू उठा के चिपका दो। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 5 + 4 = 5 + 3 कितना हो जाएगा, 15। 8, 20, 15 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में था। कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि अपन लोग ने सबसे पहले फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और चीजें अपनी टिप्स पे करते हैं। और यही चीजें, तीन चीजें मैथ में होती हैं। तीन चीजें क्या क्या होती हैं मेरे भाई, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखना है और उस कॉन्सेप्ट को अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, और फिर उसको टिप्स पे कर लेना है प्रैक्टिस करके। चीजें अपने आप बहुत आसान हो जाएंगे, एग्जाम कोई भी हो आप तो बस सिलेक्शन लेके जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, देखो अब तीन चीजें आ गई, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस पे, तीन चीजें आ गई कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, इसको भी आप कर सकते हो। देखो कैसे लिखा हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, 4:7:9 का, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है बी रेशियो सी रेशियो डी कितना है, 28:36 कितने का, 21 का। अब इसमें से आपके सामने तकलीफ आएगी, अगर आप उस तरीके से करोगे तो आप कहीं ना कहीं फेल कर जाओगे।
ये 2023 मैट्रिकुलेशन लेवल यानी सिलेक्शन पोस्ट का पूछा हुआ एक बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने कहा यहाँ अगर आप ये वाली गलती करते हो कि इसमें से 9 का गुणा करा देंगे यानी 9 आगे रख देंगे तो कहीं ना कहीं आप फेल कर जाओगे। ये आपको नहीं करना, आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको बी और सी को सेम करना पड़ेगा। हमेशा आपको ऐसी ही वैल्यू देगा कि बी और सी, यहाँ पे वैल्यू 28 है, यहाँ पे सी की वैल्यू 35 है, तो बी और सी को सेम करने के लिए 7 को 28 बनाने के लिए 9 को 36 बनाने के लिए कितने का गुणा कराना होगा मेरे भाई? बोलोगे 4 का गुणा कराना होगा। कितने का? तो 4 का गुणा। और 4 का गुणा कराएंगे तो अपना रेशियो क्या आ जाएगा, 4 चौको 16 आ जाएगा, 7 गुणा 4 28 आ जाएगा, और 9 गुणा 4 36 आ जाएगा, और इधर 21 आ जाएगा क्योंकि 21 पहले से ही। तो बी ए बी सी डी 16 28 36 21 ऑप्शन बी। कोई तकलीफ हो आप बता सकते हो समस्या क्या है। मैंने कहा बी वही था सी वही था तो बी और सी को सेम होना चाहिए, यानी 28 और 36 होना चाहिए किसको, बी और सेम को। कल को कोई ये भी पूछे कि बी और सी अगर सेम ना हो तो मेरे भाई सेम बनाना पड़ेगा आपको, चाहे जैसे बनाओ तभी आप अपने आंसर तक पहुंचोगे, नहीं करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो आगे बढ़ेंगे, आगे आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ है पी क्यू आर 4:7:9 है, R:S 2:5 है, तो पी और एस का मान क्या होगा? एमटीएस 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम ऐसा और बता देते हैं, पी क्यू और आर, और कौन है, एस भी है साथ में, तो पी क्यू आर और एस। पी कितना है? 4 है। क्यू कितना है? 7 है। आर कितना है? 9। फिर कह रहा है आर और एस कितना है? 2:5 का है, 2:5 का है। मैंने कहा अब देखो स्थान में वैल्यू क्या खाली है, तो जहां पे जो वैल्यू खाली हो उसके पीछे वाली वैल्यू रख दो। यहाँ पे दो जगह पे खाली है, दो जगह खाली है, तो दो जगह में आप पीछे वाली वैल्यू उठा के भर दो, कोई समस्या नहीं। बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। 4 × 2 करोगे 8, 7 × 2 करोगे 14, 9 × 2 करोगे 18, 9 × 5 करोगे 45। मेरे भाई आ जाएगा 8, 14, 18, 45। आपसे कहा गया है पी और एस का मान क्या होगा, तो पी की वैल्यू 8 है, एस की वैल्यू 45 है, तो 8:45 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया जो कि सीजीएल 28/6/2023 को पूछा गया है, यानी इसी साल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको कैसे करोगे, तो कैसे करना है? मैंने कहा पी क्यू आर एस निकालना कितना आसान है, क्योंकि अपन अभी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अपन अभी अभी कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि अगर पी की वैल्यू निकालना है तो पी को बंद कर लेंगे, और पी को बंद करेंगे यानी 3×4, पी को बंद करते 3×4×5, जितने बाकी बचे उसका गुणा कराना है मेरे भाई, जितने बाकी बचे उसका गुणा कराना है। 3×4 12×5 करेंगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। क्यू का देखना है तो क्यू को बंद कर लेंगे, और क्यू को बंद करते ही जितने बचे उनका गुणा, बचा कौन? 2×4×5, 5×20 = 40 आ जाएगा। ठीक है, आर का निकालना है, आर को बंद कर देंगे जितने बचे उनका गुणा, 3×2 = 6, 6×5 करेंगे 30 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। एस निकालना है तो एस को बंद कर देंगे, 4×3 = 12×2 यानी कि 24 आ जाएगा। अब अगर रेशियो सिंपलीफाई हो रहा है तो सिंपलीफाई कर लेना, नहीं तो अपना ये भी करेक्ट आंसर। तो ये सिंपलीफाई किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा 30 बार में, 2 से कटेगा 20 बार में, और 2 से कट जाएगा अपना 15 बार में, और 2 से कट जाएगा अपना 12 बार में। 30, 20, 15, 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 30, 20, 15, 12 ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आप देख सकते हो,
अब इस लैंग्वेज के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऐसे टैकल करोगे, अप्रोच अपनी सेम होनी चाहिए। लिखा है तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 3:4 है, यानी तीन नंबर है, एक नंबर फर्स्ट है और दूसरा नंबर सेकंड है और तीसरा नंबर अपना कोई थर्ड नंबर, ये तीन नंबर है, तीन धनात्मक संख्याओं पहली और दूसरी का अनुपात 3:4 है, पहली दूसरी का अनुपात कितना है 3:4 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:5 है, यानी दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है 3:5 का है। बोलोगे बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा आप मर्ज कर लो कैसे, पीछे वाली वैल्यू उठा के शिफ्ट कर दो, यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू उठा के शिफ्ट कर दो, यानी कि भर दो वो स्थान जो खाली है। 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 4 × 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 12, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, 9 12 20 का रेशियो। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल अपना 4500, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है 20 × 9 यानी कि 180। यहाँ पे सबके बगल में अपना के और के कॉन्स्टेंट होता है तो के और के गुणा कितना आ जाएगा के स्क्वायर। इस चीज को बहुत ध्यान देना, नहीं तो फंस जाओगे और फिर आंसर सही नहीं कर पाओगे। तो एक रेशियो के बगल में हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है मेरे भाई, वो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आप के ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, क्योंकि एक्स तो आपको जो तड़पाया है ना, आप बहुत परेशान हो गए हो एक्स से, तो आप एक्स ना लेकर के आप के ले लिया करो जिसमें आपकी तड़प कम हो जाए। तो 180 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4500, ठीक है 4500 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 0 से 0 जाएगा अपना, 9 से के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450/18, कितने बार में कट जाएगा 18 × 2 = 36, बचा कितना 9 × 18 = 90। तो के की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी 5। आपसे क्या कहा है, इन तीन संख्याओं का योग, योग कितना आ जाएगा 9 12 और 20, 20 9 20 12 9 कितना होता है 21 21 20 41, 41 × 5 करेंगे और 41 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा अपना 205, ठीक है 41 × 5 करेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा 205। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, आगे का क्वेश्चन CHSL 14/3/2023 की आफ्टरनून की शिफ्ट में पूछा हुआ एक बहुत ही आसान क्वेश्चन जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। P और Q की आय का अनुपात 1:2 है, Q और R की आय का अनुपात मेरे भाई 3:2 का है, तो P की आय का 1/3 भाग P की आय के आधे से 4400 कम है तो Q की आय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो करेंगे कैसे, P है और Q है मेरे भाई और कौन है एक R। P और Q का रेशियो 1:2 का है, Q और R का रेशियो कितना है 3:2 का है, 3:2 का है। तो जब ये रेशियो अपने नजर के सामने है तो मैंने कहा आप मर्ज कर लो, और मर्ज करने का तरीका जो वैल्यू पीछे है उठा के शिफ्ट कर दो। अब तक तो आप होंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4, 3 × 6 = 4 आ गया। कह रहा P की आय का 1/3 भाग P की आधे भाग से 4400 कम है, P की आय का 1/3, P की आय कितनी है 3 के का 1/3 इससे कम है। कह रहा P की 1/3 भाग जो है ये P की आय के आधे से, यानी P की आय के आधा कितना है 3 के / 2 से कितना कम है 4400 कम है। सॉल्व कर लेंगे, 4400 रुपए कम है, 4400 कम है, ठीक है। देखो अब ये 3 से 3 कट गया, 3 के 1/2 के 1/2 के में से अगर आधा के जाएगा कितना बचेगा, आधा के बच जाएगा ना, 1/2 में से 1 जाएगा आधा के, ये आगे होना चाहिए वो पीछे, तभी मैंने ये सिंबल लगा दिया, बराबर अपना कितना आ गया 4400। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ गई अपना 8800, और के की वैल्यू मेरे भाई 8800 है तो क्यू की आय बताओ, क्यू की आय कितना है 6, तो गुणा कितना करा देंगे 6 × 48 और 48 ऑप्शन नंबर 1 में है जो कि ऑप्शन बी में है, यानी कि यूनिट डिजिट चेक कर लिया कि 18 पर यूनिट डिजिट 8 ऑप्शन नंबर बी में था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर मेरे भाई। मजा आई आपको।
मर्जिंग रेशियो बहुत पूछता है, आप देख सकते हो सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं और बहुत आसानी से आपको हम बता रहे हैं, आपको भी समझ पा रहे होंगे, आपको भी लेकिन सीखना है, अप्लाई करना है, क्योंकि चीजें आपकी तब टिप्स पे होती हैं जब आप खुद पेन कॉपी लेकर के उसको अप्लाई करोगे। मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करा दूं अपने हाथ पेन से, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा। मेरे से आप सिर्फ एक चीज सीखना मेरे भाई, कि आप मेरे से कॉन्सेप्ट सीख लेना, मेरी अप्रोच सीख लेना, लेकिन अप्लाई आप उस चीज को बार बार कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप मौज करोगे, आप इसी साल सिलेक्शन ले लोगे तो ज्यादा टाइम तक मौज करोगे, नहीं तो अगर 1-2 साल आप सिलेक्शन लेने में अगर पीछे हट गए मेरे भाई, तो इस कदर जिंदगी गुजरती है कि आपको अंदाजा भी नहीं मिलेगा। फिर ऐसा स्ट्रेस होता है कि आगे की एग्जाम को टारगेट करना भी बेहद मुश्किल होता है। तो आप जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएं और अपने तन मन से अपनी मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा कर पाए, अपने सिलेक्शन को ले जाए। आगे दिखाएंगे आपको एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस टाइप का आया है, ये भी आपसे बन जाएगा। a/2 = b/3 = c/7, तो 4a + 3b - c आपको बताना है a + b + c का अनुपात। देखो मैंने कहा था अगर आपके सामने इस फॉर्म में लिखा हो तो आप ए बी सी डायरेक्ट निकाल सकते हो। वो डायरेक्ट कैसे निकाल दोगे, जो ए के नीचे वैल्यू वो ए की, जो बी के नीचे वैल्यू बी की, जो सी के नीचे वैल्यू वो सी की। कह रहा 4a + 3b - c, 4a + 3b, 4a यानी 4 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा 8, प्लस 3b यानी 3 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा 9, सी करेंगे यानी कि 7। अब यहां से देखेंगे a + b + c कितना आ जाएगा, 3, 2, 5 और 7, 12, 9, 8, 17 में से 7 जाएगा, बचेगा 10, 10/12 यानी कितना आ जाएगा 5/6 का। 5:6 ऑप्शन सी में था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरा एक उद्देश्य था इस वीडियो का कि आपको मैं मर्जिंग रेशियो सिखा दूं, चार प्रकार से पूछता है, वो चारों प्रकार मैंने पहले बता दिए। अब आपका काम है कि आप इससे जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, आपके पास कोई भी अगर प्रीवियस ईयर बुक है वो SSC की हो, आपके जिस एग्जाम को दे रहे हो उसकी हो, कि किसी भी एग्जाम की आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है, वहां पे ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप इनको सॉल्व कर लेना। एक बार मेरे कहने से आप इनको सॉल्व कर लेना, यानी कि चीजें अगर आपकी प्रैक्टिस में हो जाएंगी तो एग्जाम में हाल में जब आप बैठोगे तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे टैकल करेंगे, आप बहुत आसानी से टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक रहता है जो कि 1:4, 5:6, 1:3 में है, संख्याओं का योग ये है, तो आप बताओ पहली संख्या के 1/3। आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, होमवर्क के लिए इसका आंसर बताओगे, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट करो इसको, वीडियो पॉज करो, छाप दो कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत। आगे दिखाते हैं आपके सामने एक और क्वेश्चन, देखो ये लिखा हुआ है, इसको भी आप वैसे ही टैकल करोगे। लिखा हुआ है 3400 रुपए की राशि को पी और क्यू के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी के हिस्से का 3/4 और क्यू के हिस्से का 2/3 के बराबर है, तो पी और क्यू के बीच अंतर कितना है मेरे भाई। बहुत आसानी से बता दोगे कि पी के हिस्से का अगर 3/4 बोला है और क्यू के हिस्से का अगर कितना बोल दिया, क्यू के हिस्से का 2/3 बोल दिया, तो यहाँ से आप पी और क्यू का रेशियो निकाल दोगे। कैसे निकाल दोगे, मैंने कहा पी का निकालना है तो क्यू वाला रख दो नीचे, और मैंने कहा अगर Q का निकालना है तो P वाला छाप दो ऐसे ही। अब रेशियो निकालने के लिए 4 × 2 = 8 और 3 × 3 = 9, ये भी बताया, तो रेशियो क्या आ गया, चुटकियों में रेशियो आ गया 8:9 का। अब आपसे जो पूछा है आप वो निकाल दोगे, मेन बात थी कि रेशियो कैसे निकालते हैं, इतनी चीज सीखना है, बाकी कैलकुलेशन तो सब कोई कर सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कि तीसरा बंदा अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, चौथा बंदा अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। तो ये चीजें जो मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो दुनिया जहां की भी कोई ताकत ऐसी नहीं जो एग्जाम में आपको परेशान कर सके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको ये दिखाते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ इसको आप देख लो, SC MTS 15/5/2023 का
बहुत आसान क्वेश्चन, सॉरी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको करोगे होमवर्क के लिए। तीन क्वेश्चन मैं आपके के होमवर्क के लिए देता हूं, आप करना उसको। ये भी लिखा हुआ है, इसमें चार बंदे आ गए और ए बी का, बी सी का, सी डी का अनुपात पता है, तो बी और डी के बीच हिस्सा पूछा है। सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी आपके लिए है, देखो। फिर आगे क्वेश्चन दिखाते हैं, वो भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, सीजीएल 2023 का पूछा हुआ बेहद ही आसान क्वेश्चन, तो ये भी होमवर्क का। आगे अगर क्वेश्चन दिखाए तो क्वेश्चन की हमारे पास तो लाइन है, ये क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क रहता है। तो मेरे भाई ये सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाएंगी, यानी कि मेरा उद्देश्य एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। मैंने पांच क्वेश्चन आज की क्लास में दिए, पांच क्वेश्चन आप करके इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।